हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्टेंट पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में। और ये आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे जो मुझे लिमिट मिली है, वो मुझे लिमिट मिली है 7000 रुपये की। मैंने इसका अभी रिसेंटली ही जो बिल है वो ड्यू पे किया था। ये आप देख सकते हैं 5949 की जो इनकी ड्यू थी वो मैंने इनको पे की है। और इस कार्ड की एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इस एप्लीकेशन से जो हम बैलेंस है वो भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मैं आपको लाइव ही इसमें जो बैंक ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि जो बैंक ट्रांसफ़र हम यहाँ से इसमें कैसे कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है कौन सी एप्लीकेशन है, अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला हो तो मुझे कमेंट कर बताना। आज मैं इसको आपको लाइव ही इसको अपने बैंक अकाउंट में अप्लाई कर दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि जो इसमें चार्ज लगेगा वो कितना चार्ज लगेगा। ये मैं होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। ये आपको इस साइड में मेरा कार्ड दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है पोस्ट पे एप्लीकेशन है। जो इसका लेंडर पार्टनर है वो है भारत पे ही पोस्ट पेड एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है। अब मैं होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा पे एंड क्रेडिट कार्ड बिल वी पोस्ट पेड। अगर आपको यहाँ से किसी प्रकार से लिमिट नहीं मिलती है और अगर आप पोस्ट पेड में लिमिट लेना चाहती हैं तो वो लिमिट आपको कैसे मिलेगी। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका नहीं है किसी का भी है, उस क्रेडिट कार्ड का आपको यहाँ से बिल पे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पे एनी क्रेडिट कार्ड बिल वी पोस्टपेड। अगर आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड का बिल भरोगे तो आपको पोस्टपेड की लिमिट मिल जाएगी। हो सकता है कि 3000 से लेकर 10000 रुपये तक आपको उसके बीच में कोई भी लिमिट, छोटी मोटी लिमिट आपको मिल जाए। और इसमें कैशबैक भी मिलता है। आप देख सकते हैं 130 का मेरे को कैशबैक भी मिला है। अब मैं इसको लाइव ही यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये एरो के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एरो के निशान पे क्लिक करता हूँ ये मेरे दो अकाउंट आ रहे हैं। मैं HDFC अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि मैं सिर्फ इसमें 3398 रुपये ही पे कर सकता हूँ। अब मैं इसमें 3300 रुपये डालकर देखता हूँ। जैसे ही मैं इसमें 3300 रुपये डालता हूँ तो इसमें जो चार्ज है वो 99 रुपीस चार्ज मेरा लगेगा। ये आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं अपना पैटर्न खोल देता हूँ। पैटर्न खोलने के बाद देखते हैं कि ये बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 3300 रुपये। ये जो मेरे अकाउंट में यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो मेरे अकाउंट में बैलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और जो बैलेंस है रिसेंटली ही यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और ये मेरे बैंक अकाउंट में भी इस टाइम आ चुका होगा। अब मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं जो ऊपर मैसेज है वो भी मेरे पे अभी रिसेंटली में आने वाला है। जो मेरी लिमिट है यहाँ पे 3600 की बची है। आप देख सकते हैं ऊपर मैसेज आ गया 3300 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। अब जो ये जो बैलेंस है इसको भी मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सिर्फ 3300 रुपये की जो मेरी लिमिट थी उस लिमिट को मैं बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। और अगर मैं किसी भी मर्चेंट के बार कोड पर, भारत पे के बार कोड पर इसको स्कैन करूँगा तो ये लिमिट भी मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। और जो हमें टाइम पीरियड मिलता है इसका मिलता है सिर्फ 35 दिन का। एक मंथ मैं इसको यूज कर सकता हूँ और एक मंथ को बिल जनरेट होता है और पाँच तारीख को मुझे इनका बिल पे करना होता है। अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। और पोस्टपेड एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप जाकर सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड की मदद से यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।